सोलन के सेंट लुइस विद्यालय में आयोजित 10वीं अंतर विद्यालय बास्केटबॉल प्रतियोगिता का समापन हो गया। समापन समारोह में भाजपा नेता डॉक्टर राजीव कश्यप बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के प्रधानाचार्य सिस्टर इजाबेला एग्नेस ने की। दो दिन तक चली इस प्रतियोगिता में जिला सोलन, सिरमौर, शिमला सहित हरियाणा की 32 छात्र व छात्राओं की टीमों ने भाग लिया। प्रतियोगिता का फाइनल छात्रवर्ग में एपीएस डगशाई और सेंट लुइस के बीच खेला गया, जिसमें एपीएस डगशाई ने सेंट लुइस को 22 के मुकाबले 6 अंक के अंतर से पराजित कर ट्रॉफी पर कब्जा किया। इसी तरह छात्रों के फाइनल में एपीएस डगशाई ने अकाल एकेडमी बडू साहब को हराकर विजयी प्राप्त की। मुख्य अतिथि राजीव कश्यप ने कहा कि युवाओं को शिक्षा के साथ साथ खेलकूद में भी नियमित रूप से भाग लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि खेल व्यक्ति का मानसिक एवं शारीरिक विकास सुनिश्चित करता है और इसके माध्यम से समग्र व्यक्तित्व का विकास भी होता है। उन्होंने कहा कि युवाओं को स्वस्थ खेल एवं खेल भावना के साथ खेलना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में मुख्य अतिथि ने विजेताओं को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। आज बड़े गर्व की बात है कि सेंट लुक स्कूल में 10वीं सेंट लुकाइट कप का जो है बास्केटबॉल का आयोजन किया जा रहा है। इस वक्त जो है 32 टीमें इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, जिसमें शिमला, सोलन, सिरमौर से टीमें आई हैं। इसमें दोनों ही लड़कियां और लड़के दोनों ने है जो पार्टिसिपेट किया है और बहुत ही अच्छी तरह से ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया है। और मैं सेंट लुक्स स्कूल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छा ये टूर्नामेंट का आयोजन किया है। स्पोर्ट्स वैसे जब हम राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं, राइट टू हेल्थ की बात करते हैं, तो मैं समझता हूँ राइट टू स्पोर्ट्स भी एक इसका जो है एक पार्ट होना चाहिए। और जब तक ये हिस्सा नहीं बनता पूरी तरह से स्पोर्ट किसी भी एजुकेशन का, तब तक मैं नहीं समझता हूँ कि हम एक अच्छी एजुकेशन जो है बच्चों को दे पा रहे हैं।